नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। कल की कहानी आपको अधूरी लगी ना, चलिए पूरी सुनाती हूँ आपको फिर से। एक गरीब घर की लड़की थी और नौकरी ढूंढने के लिए रोज़ घर से निकला करती थी। जंगल से उसका रास्ता पड़ता था। उसकी माँ उसे खाना दिया करती थी। एक दिन उसने सोचा, खाना लेकर उसने नदी के किनारे रखा। बच्ची थी, नदी के अंदर बैठ गई और बचपना था और पानी में खेलने लग गई। इतनी देर में उस नदी के किनारे पर नाग रानी रहा करती थी, नाग देवता की रानी। उसने आकर उसका खाना खा लिया। ये बच्ची बाहर निकली, अच्छे से मूड में थी, खुश थी। इसने बोला, कोई बात नहीं, जिसने मेरा खाना खाया भगवान उसका भला करे और उसको खूब धन दौलत दे और खूब खुश रहे वो। नागरानी बहुत खुश हो गई। नागरानी उस लड़की का पीछा करने लग गई। लड़की घर वापस लौटी। घर जब वापस लौटी तो नागरानी ने उसके घर के बाहर बहुत सारा सोना चांदी हीरे मोती रख दिए। माँ ने कहा, देख पता नहीं कौन कटोरे टोकरे हमारे भर कर रख गया। कह रही है, माँ शायद ये मेरी नेकी का, मेरी दुआ का फल लगा है, क्योंकि मैंने आज कहा, माँ मेरी नेकी का फल मिला आज, मैंने किसी ने मेरा खाना ऐसे ऐसे चोरी करके खा लिया था, मैंने उसे बहुत दुआ दी, सारी दुआएं मुझे लग गई। माँ सब समझ गई। माँ ने अगले दिन फिर से उसे खाना दिया और बोला, नदी में जाकर बैठना और ऐसे ही करना, शायद हमारा भाग्य बदल जाए, हमने इतनी गरीबी देखी है, शायद अब हमारी ज़िंदगी सही हो जाए। लड़की ने वैसा ही किया। लड़की वापस गई, लेकिन इस बार उसमें बचपना था, उसे गुस्सा आ गया। कल उसने दुआएं दिल से दी थी, आज उसने कहा, जिसने मेरा खाना खाया उसके पेट में दर्द हो जाए, उसका सब कुछ खत्म हो जाए, वो कुरूप हो जाए। लड़की का पूरा शरीर जल गया, लड़की काली हो गई, उसके बाल खराब हो गए और वो बड़ी परेशान रोती हुई घर पहुंची। माँ भी उसे नहीं पहचानी। माँ समझ गई कि ये किसी का श्राप उसे लगा है। माँ ने उस नदी के किनारे पर जाकर नाक रगड़ी, बेटी से माफ़ी मंगाई और बेटी का रूप सही हो गया। ये कहानी ज़रूर छोटी सी है, लेकिन इस कहानी के मोटिव में मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर हम किसी को दुआएँ देते हैं तो वो भी हमें लगती है, और हम किसी को बददुआएँ देते हैं तो भी हमें लगती हैं। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा, इसीलिए हमेशा चाहे आप गुस्से में हो चाहे खुश हो, लेकिन अपने मुंह से अच्छा ही निकालिए। क्योंकि याद रखिए, हम जब किसी को गाली देते हैं वो गाली लेता नहीं है, मुंह हमारा गंदा होता है। अगर हम किसी का अच्छा सोचते हैं तो हमारा अच्छा होता है, हम किसी का बुरा सोचते हैं तो हमारा बुरा होता है। इसलिए नेकी कर कुएं में डाल और आप हमेशा लोगों का अच्छा करते चले जाइए, निश्चित ही आपका अच्छा होगा। आज होगा कोई आपकी ज़िंदगी में जिसने आपका बहुत बुरा किया होगा, आप उसे नीचे गिराने में लग जाते हैं, उसे नीचे गिराने की जगह में खुद को ऊंचा उठाने में लग जाइए कि वो भी ये सोच के पछताए कि ओए होए मैंने किसे छोड़ दिया, मुझसे ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती हो गई। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। आज शनिवार का दिन है, अपनी नज़र, अपने व्यापार की नज़र ज़रूर उतारिए। शनि मंदिर जाइए, तेल अर्पण ज़रूर करिए, क्योंकि भूलिए मत कि अगले साल का राजा और मंत्री दोनों ही शनि हैं। जय माता दी।